हेलो दोस्तों, मेरे पास लावा कंपनी का मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है। डमी चार्ज दिखा रहा, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। यहाँ पर 2% से आगे कुछ भी एक भी पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पर 1 घंटा लगा चेक कर लिया, फिर भी यहाँ पर चार्ज बिल्कुल भी बैटरी नहीं चढ़ रही है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, चार्ज देख सकते हैं यहाँ पर, ये चार्ज लगा है सिर्फ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ही रहेगी, इससे आगे की बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो आपको मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊँ कितना वोल्टेज आ रहा है, और आपको डीसी मशीन भी चेक करूँगा एक चार्जिंग कितना वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। डीसी मशीन तो आपको यहाँ पर देख सकते 2 पॉइंट है यहाँ पर, तो आपको मैं इसमें डीसी मशीन से भी चेक करा दूँगा आपको, और यहाँ पर मल्टीमीटर से भी चेक करा दूँ कितना वोल्टेज बता रहा है। मल्टीमीटर से क्या वोल्टेज तो बता रहा है, बिल्कुल बैटरी फिर भी चार्ज नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। यहाँ पर चार्जिंग पिन लगा के आपको मैं चेक करा देता हूँ यहाँ पर कितना वोल्टेज दे रहा है, मतलब वोल्टेज बता रहा है कि फिर यहाँ पर चार्ज बिल्कुल भी बैटरी नहीं हो पा रही है। और डीसी मशीन भी चेक करूँगा, डीसी मशीन में मतलब 4 पॉइंट ही आ रहा है, उस पर देख सकते हैं चार्जिंग मतलब कंटिन्यू शो कर रहा है, फिर भी यहाँ पर बैटरी चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल चार्ज 2 पॉइंट से आगे चार्ज हो ही नहीं पा रही है। इस कंडीशन में यहाँ पर डीसी मशीन भी चेक करा रहा, बता रहा हूँ यहाँ पर डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन दोनों पॉइंट फोल्ड करके आपको 0-0 करके आपको यहाँ पर इसकी जो भी सप्लाई है वो आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट टच करके मैंने यहाँ पर डीसी मशीन से आपको चार्जिंग कनेक्टर लगा के आपको चेक करा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये 5.4 पॉइंट आ रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि डीसी मशीन में यहाँ पर कितना मतलब वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पर फिक चार्जिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर बता देता है, तो फिक्स है, ठीक है। आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और जो बंदी वीडियो पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा कट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करें यहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने इस मोबाइल के अंदर क्या क्या रखा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वो डायरेक्ट चार्जिंग करने वाला, अब यहाँ पर इसमें इसके अंदर मैंने एक जिनर लगाया है, तो जिनर से प्रॉब्लम सोल्व हुई है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह मैंने जिनर लगाया है। तो आप देख सकते हो जिनर लगाया मैंने यहाँ से, यहाँ पूरा इसे पूरा वायरिंग कर रखी जिनर लगा के मैंने, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग आई सी है ना उसकी इस पत्ती के अंदर थी। यहाँ देखो ये जिनर लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से पूरा यहाँ पर इसको बैटरी कनेक्टर पॉइंट पर मेन पॉइंट पर यहाँ पर मैंने जम्पर मार दिया। तो ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग आई सी है ना, जो ये सिम ट्रैक है ना, सिम ट्रैक के नीचे, इसके नीचे यहाँ पर चार्जिंग आईसी लगी हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके यहाँ पर लगी हुई चार्जिंग आईसी, तो इसलिए पूरा निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको जिनर लगाया मैंने डायरेक्ट करके, क्योंकि इसमें कुछ उपाय नहीं था इसको यहाँ पर चार्जिंग बैटरी चार्ज करने का, तो मैंने डायरेक्ट मैंने जिनर लगाया है, ठीक है। तो इस तरह मतलब इसमें पीछे इधर किधर भी आईसी नहीं है, किधर भी आईसी लगी हुई नहीं, बहुत सारे मॉडल में इधर लगती रही आईसी, इधर भी आईसी नहीं है। और मेन कारण जो जो प्लेट है इसकी, जो सिम ट्रैक है इसके नीचे इसकी आईसी लगी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जिनर लगाया है। अगर इस तरह आपकी प्रॉब्लम इस किसी मॉडल में आता तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा जिनर लगा के। तो मैंने इसी में जिनर लगाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इस तरह मैंने जिनर लगाया, फिर ये मेरी बैटरी चार्ज हुई, ठीक है।